कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। माना जाता है कि साधु संत भाजपा व RSS की नीतियों से प्रभावित हैं, लेकिन बीते दिवस मेरठ में एक अजीबोगरीब घटना ने साबित कर दिया है कि साधु संतों का एक ग्रुप ऐसा भी है जो आरोप चस्पा करता है कि भाजपा व RSS की दोहरी नीतियां हैं। एक तरफ जहां भाजपा व RSS नव जिहाद का विरोध करती हैं, तो वहीं अपने बच्चों की शादियां मुस्लिम युवकों से कर रहे हैं। यह दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। सार्वजनिक मंच से RSS संघ प्रचारक रामलाल का नाम लिए जाने पर विवाद हो गया। ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के ऐसे कथन पर विवाद हो गया और संघ के महानगर अध्यक्ष विनोद भारतीय ने कहा कि मुस्लिम युवक से शादी रामलाल जी की भतीजी की हुई है, बेटी की नहीं। वहीं पीठाधीश्वर का कहना है कि भतीजी भी बेटी ही होती है और संघ प्रचारक के कारण ही प्रधानमंत्री मोदी विवाह समारोह में वर वधु को आशीर्वाद देने पहुंचे थे। तभी वहां पहुंचे राजेंद्र अग्रवाल को पीठाधीश्वर के कोप का भजन बनना पड़ गया। बात आगे बढ़ी तो संसद के अनुसार उन्हें लगभग धकियाते हुए वहां से बाहर कर दिया गया। मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। दरअसल यह वाक्य हुआ मेरठ के सम्राट पैलेस स्थित राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मंदिर में आयोजित प्राण प्रतिष्ठा में। यहाँ ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी आए हुए थे। मीडिया के एक सवाल पर उन्होंने कहा कि चुनावी दौर है, भाजपा एक तरफ लव जिहाद का विरोध करती है और दूसरी तरफ संघ प्रचारक रामलाल की बेटी की शादी में पीएम मोदी आशीर्वाद देने जाते हैं। रामलाल की बेटी ने मुस्लिम से शादी की है, मुस्लिमों से नफरत भी करो और शादी भी, यह दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। इसके बाद वहां जो हुआ पहले सुनिए सांसद राजेंद्र अग्रवाल की जुबानी। देखिए, मैं तो उनके दर्शन करने के लिए गया था। आदि शंकराचार्य तो नहीं, वो शंकराचार्य जी। मैं डीएन कॉलेज के में एक कार्यक्रम में था, ट्रैफिक पार्क का कार्यक्रम था और हमारे जो कई ट्रस्टी हैं उस मंदिर के, वो चाहते थे कि मैं आऊं। उनकी बराबर एक खबर आ रही थी कि महाराज जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, ख़त्म हो जाएगी तो फिर चले जाएंगे, आप जल्दी आइए। तो मैं निकल गया था वहाँ से डीएन कॉलेज से और हाफ ओवर डे पर उनका फिर फ़ोन आया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस महाराज जी की ख़त्म हुई, वो निकलने वाले हैं, आप जल्दी आइए। हम आ ही रहे हैं और 5 मिनट के अंदर पहुँच जाएंगे। तो हम पहुँच गए वहाँ पर। हमको बाकायदा एक दो जो यही आमंत्रक थे, जयप्रकाश जी का बेटा, उस सब ने हमको एस्कॉर्ट किया वहाँ तक महाराज जी तक। और महाराज जी को हम भाई तो पीछे थे, फिर धीरे धीरे आगे होकर के उनको प्रणाम किया। तो उन्होंने खट से वो बोला कि RSS संघ के या भाजपा के हों तो हम बात नहीं करेंगे। तो मुझको बड़ा इसका मेरे मन को भी बड़ा आघात हुआ और मैंने कहा कि ये तो बात तो ठीक नहीं है। लेकिन वहाँ से फिर मुझको लगभग धकियाते हुए, मैं शब्द कहना नहीं चाहता, उनके जो शिष्य इत्यादि थे या जो भी होंगे, उन्होंने उनको बाहर निकाल दिया। हमने कहा कि ये सन्यासी का व्यवहार नहीं है, ये शंकराचार्य का जगत गुरु का व्यवहार भी नहीं है। जगत गुरु एक ये पीठ, इतनी बड़ी पीठ है जिस पर वो अभिषिक्त हैं, उनको इतने छोटे मन से बात नहीं करनी चाहिए। और वो गेरुआ वस्त्र पहने हुए हैं, सन्यासी का आचरण भी ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक नहीं। ये कह चले आए बस। और मैंने बताया ना कि हापुड़ अड्डे पर जब मैं था तब मुझे बताया गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई है और महाराज जी जाने वाले हैं। तो मैं तो महाराज जी के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेने के लिए मैं पहुंचा था वहां पर, अन्यथा वो तो जाने ही वाले थे। तो मैं बस इतनी, मुझे और कुछ पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन मैं अभी भी इस बात को मानता हूं कि शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य और ख़ास तौर से उस प्रकार की पीठ पर विराजमान जिसको आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया हो, इस प्रकार की अमर्यादित भाषा हमको नहीं प्रयोग करनी चाहिए। अब ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी और मुक्तेश्वरानंद को सुनिए। महाराज जी अभी जनप्रतिनिधि आए थे, हॉट डॉग भी हुई है, क्या नहीं, नहीं, वो हमने ये कहा, हमसे यहाँ मेरठ में पत्रकारों ने पूछा कि लव जिहाद की बात आप बताइए। हमने कहा भाई उम्र समय का तकाजा होता है, साथ में रहने के लिए कानून बन गया है कि लड़के लड़कियाँ साथ रहेंगे, साथ पढ़ेंगे, भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इन सब परिस्थितियों में जब साथ में उठेंगे बैठेंगे तो प्रेम मोहब्बत हो जाती है। एक तरफ तो ये समस्या है, दूसरी तरफ कहते हैं लव जिहाद हो रहा है। तो लव जिहाद को रोकने के लिए हमने उपाय कहाँ किए? उपाय जब तक नहीं करेंगे तब तक उसका परिणाम नहीं आएगा। फिर उसी में कुछ संभवतः प्रश्न आया राजनीतिक, तो हमने कहा राजनेता जो है
वो दोनों करते हैं, एक तरफ अपनी लड़कियों का ब्याह मुसलमानों से कर रहे हैं और लव जिहाद का ढोल भी पीट रहे हैं। और फिर हमारे मुंह से निकल गया कि रामलाल नाम के संघ के कार्यकर्ता हैं, उनकी बेटी के विवाह में स्वयं प्रधानमंत्री जी गए थे और उन्होंने आशीर्वाद दिया था। तो जब प्रधानमंत्री स्वयं इस तरह के विवाह को आशीर्वाद देंगे जिसमें एक हिंदू लड़की हो और मुस्लिम लड़का हो, तो लोग तो इसी को आदर्श समझेंगे ना। तो दोनों कैसे हो सकता है, एक तरफ आप लव जिहाद के बारे में लोगों को सचेत भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ आशीर्वाद भी दे रहे हैं। इतने में कोई सांसद आ गए, भीड़ थी बहुत, तो लोगों ने कहा ये सांसद जी। तो क्योंकि प्रकरण संघ वाला चल रहा था और एकदम बस एक सेकंड ही हुए होंगे उनका हटना और कुछ ही क्षण बीते थे और वो आ गए, तो हमने कहा ये भी संघ ही के हैं, अगर संघ के हैं तो फिर इनके साथ भी वही बात। तो वो बहुत तेज में आ गए और आकर के कहने लगे तुम सन्यासी नहीं हो, तुम ये नहीं हो, तुम ये नहीं हो। हमने कहा भैया हम जो हैं सो वही हैं, आप प्रमाण पत्र देने वाले कोई होते नहीं हो और हम जो बस सच है वही सच कह रहे हैं। और सच यही है कि आप ही लोग दोनों करते हो, आप एक तरफ समर्थन भी करते हुए दिखाई देते हो, एक तरफ विरोध भी करते हुए दिखाई देते हो, जो कि हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि असल में आपका क्या कहना है। तो आप लोग साफ होइए, अगर विरोध करना है तो विरोध करिए, समर्थन करना है तो समर्थन करिए। हम जहाँ तक हमारी बात है, हम सनातन धर्मी लोग, हम भेदभाव मानते हैं इस मामले में, और ऐसा भेदभाव नहीं मानते कि हम किसी को मुसलमान होने के कारण परहेज करें, उससे हम नफरत करें, उसका अनादर करें, ये हम नहीं मानते। लेकिन हम ये मानते हैं कि ब्याह शादी खाना पीना हमारा अपने में होता है, उनका अपने ढंग से होता है। प्रिय स्वयंसेवा संघ के जो मोहन वैद्य जी हैं, उन्होंने वक्तव्य दिया कि हमारे 30,000 स्वयंसेवक उत्तर पूर्व के वो गऊ मांस खाते हैं, हम किसी के खाने पीने पर रोक नहीं लगाते। तो जब तुम्हारे सेवक गाय का मांस भी खाएं, मुसलमानों से ब्याह भी करें तब भी वो हिंदू, और हम उनसे परहेज करें तब भी हम हिंदू, तो दोनों को कैसे बने? तो इसका मतलब कि दो तरह के हिंदू हो रहे हैं। तो भैया हम तो सनातनी के आचार्य हैं और सनातनी के ही आचार्य बने रहना चाहते हैं और सनातन के अनुसार ही हम ये जो कहते हैं सब में परमात्मा को देखो, किसी का अपमान मत करो, लेकिन अपना जो परंपरा है संस्कृति है उसको बनाए रखते हुए आप संस्कृति का संकरीकरण मत करो। इस खबर में फिलहाल इतना ही, ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए फर्स्ट पैसा टीवी, और हाँ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना भी न भूलें। नमस्कार।